तो दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती को आज तक 30 साल हो चुके हैं और 30 सालों में भारत ने हमेशा ही इजराइल की दोस्ती को आजमा कर देखा है। और जब भी भारत के ऊपर संकट पड़ा है तो सबसे आगे हमारा मित्र इजराइल आकर खड़ा हुआ है, चाहे 1999 की कारगिल वॉर हो या फिर हमारा चीन के साथ विवाद हो, हमेशा ही मित्र इजराइल भारत की मदद के लिए आगे खड़ा हो जाता है। पर आज जो काम मित्र इजराइल की तरफ से किया गया है, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि इजराइल भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में आप सभी ने देखा होगा कि तुर्की और पाकिस्तान के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और तुर्की पाकिस्तान को लगातार मजबूत बना रहा है, साथ में भारत के खिलाफ हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की पाकिस्तान का समर्थन भी करता है। और इसी तुर्की और पाकिस्तान की तिगड़ी को तोड़ने के लिए भारत के मित्र इजराइल ने आज एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से यदि कोई देश किसी अन्य देश के अंदर अपना राजदूत नियुक्त करता है तो उस राजदूत का काम होता है कि दोनों ही देशों के बीच में सहयोग और मित्रता को बढ़ाया जाए। परंतु जो तुर्की के अंदर इजराइल के राजदूत हैं, जिनका नाम है रोई गिलाद, उन्होंने जो काम किया है उसको देखकर तुर्की की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दरअसल जो रोई गिलाद जी हैं, ये तुर्की के अंदर इजराइल के राजदूत तो हैं, परंतु इन्होंने भारत को लेकर कल एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत और इजराइल के जो संबंध हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। भारत हमारा एक अच्छा मित्र देश था, है और आगे भी रहेगा। और साथ में इन्होंने 17 दिसंबर 1950 का भी जिक्र किया, जहां पर भारत ने इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार किया था। और इन्होंने यह भी बताया कि 1992 के अंदर भारत और इजराइल की दोस्ती की शुरुआत होती है और आज 30 साल हो चुके हैं, भारत और इजराइल की दोस्ती बढ़ती ही जा रही है। भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में और इजराइल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में लगातार प्रगति कर रहे हैं और दुनिया में भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जिसके साथ अटैच होकर हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं। और इस प्रकार से तुर्की के अंदर जो इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने भारत और इजराइल की दोस्ती को लेकर बहुत ही जबरदस्त बयान दिया है, जिसको सुनकर तुर्की भी अवश्य सदमे में गया होगा। पर फिलहाल में मित्र इजराइल की तरफ से जो भारत की दोस्ती के लिए ऐलान किया गया है, उसके ऊपर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिर आप देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।